हाय फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन एक बार फिर आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल बीएससी ट्यूटर्स पे। फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आई कि एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम वर्ड प्रोसेसर में कॉलम्स का ऑप्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए मैं सजेस्ट करती हूँ आपको एक सॉफ्टवेयर दैट इज़ नोन एज WPS ऑफिस। हाँ जी दोस्तों, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम योर गूगल प्ले स्टोर वेरी इजीली। तो दोस्तों, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा मैंने कुछ पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ माई कॉलम ऑप्शन। तो फॉर दैट सबसे पहले मैं सिलेक्ट ऑल कर रही हूँ। नाउ अगर आपको ये नीचे में आपको कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हो, तो ये नीचे में जितने भी ऑप्शन आप किसी भी क्लिक करेंगे, सम टैब्स विल बी ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए, होम टैब इज़ हेयर, फाइल टैब इज़ हेयर, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, पेन, ऑल टैब्स आर हेयर, बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनीथिंग। मैं होम टैब पे हूँ, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन। एंड अगर दोस्तों हम नीचे देखें तो आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, दैट इज़ कॉलम्स। तो आप अगर देख रहे हैं कॉलम्स ऐप है, तो इसमें 1, 2, 3, लेफ्ट, राइट, मेनी ऑप्शंस आ रहे हैं। एंड सी, जैसे ही मैं 2 करती हूँ तो आपका डेटा हुआ वो दैट इज़ डिवाइडेड इन 2 कॉलम्स। सिमिलरली, अब जैसे मैंने 3 किया तो नाउ द डेटा इज़ डिवाइडेड इन 2 3 कॉलम्स। तो आई बिलीव ये दोस्तों आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर ये